हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 20 अगस्त के इस एमसीक्यू लेसन में आपका स्वागत है। शाम को लेसन आते हैं, डेली आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हम इसको इन क्वेश्चंस को लेते हैं, पीआईबी से भी, पेपर से भी और हर जगह से। तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिशन 2020 हम इसको बोल रहे थे और ये यूपीएससी के लेवल के एमसीक्यू सारे डेली आते हैं। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है, सुबह हिंदू एनालिसिस आता है, शाम को आता है ये जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन। तो ये आपको फॉलो करने रिलीजियसली, डिस्क्रिप्शन वीडियोस का आपको नीचे मिल जाएगा, सारे जो कोर्सेज बने हुए हैं, वीडियो कोर्सेज जो हैं उनका नीचे वीडियो के दिया हुआ है और नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये वेबसाइट का एड्रेस है और यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये है जो लिंक है जो टेलीग्राम चैनल का है। क्वेश्चन वन है, देखिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था 17 में, नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी। इस ड्राफ्ट के रिगार्डिंग ये पॉलिसी इन्होंने बताई है, इसको प्रपोज किया है। इसमें इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या इसमें प्लास्टिक बैन को बताया गया है, क्या इसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, क्या इसमें जीरो लैंडफिल अप्रोच की बात की गई है। देखिए बात यह है कि प्लास्टिक सबसे हॉट टॉपिक है इस साल का और नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी के अंदर ऑब्वियसली प्लास्टिक की बात भी हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली ये नहीं बोला गया कि प्लास्टिक का बैन होगा। इसमें बात यह है कि 6R प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मतलब रिसाइकल करना, रिसोर्सेज का, इन सब का रिगार्डिंग मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये बात है कि सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए, कि भाई हर चीज़ रीयूज हो, रिसाइकल हो, ये होना चाहिए और इकोनॉमिक भी उसका एडवांटेज मिलेगा। जीरो लैंडफिल का मतलब ये है कि जो भी डेंजरस केमिकल वाले जो भी वेस्ट वगैरह हैं उनको लैंडफिल में ना लाकर उनका रिसाइकलिंग होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये अप्रोच डेवलप होगी, ये दो सही है, पहला गलत है क्योंकि इसमें प्लास्टिक बैन की बात नहीं बोली गई है। डी 2 और 3 इसका आंसर होगा। ये देखिए ये सारा इसमें लिखा हुआ है कि SMEs जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सपोर्ट किया जाएगा, टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे और लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज जो हैं वो भी सेटअप की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें और 6 R's की जो बात है वो ये है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर एंड रिफर्बिश। तो ये कॉन्सेप्ट है 6 R का और ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सारी बात वही है कि रिसाइकलिंग होनी चाहिए, जीरो लैंडफिल अप्रोच भी उसी का ही पार्ट है कि जितना वेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाए और वेस्ट से कुछ ना कुछ दोबारा से कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो डिस्पोजल फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट होंगी उसके अंदर, सेग्रीगेशन भी इंपॉर्टेंट होगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये रिसोर्स एफिशिएंसी का जो प्रोग्राम है उसके डिटेल्स इस तरह से हैं और कैसे इसमें डिफाइन करेंगे, कैसे इसके गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है, ये सारे कमिटमेंट्स हैं। और इंडिया में बहुत कम है परसेंटेज, मतलब 20% भी नहीं होगा रिसाइकलिंग का जो इशू है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मोर देन 70% जो है रिसाइकल होता है वेस्ट, इंडिया में 20% तो हालांकि बहुत बड़ा चढ़ा के नंबर बताया गया, एक्चुअल नंबर बताएं और जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स उसके अकॉर्डिंग तो 10-15% भी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और खासकर अर्बन एरियाज में ये बहुत ही बड़ा मिनस है। सारा डेंजरस जो बीमारियां हैं, कोई पोल्यूशन है, कोई ऐसे मिथेन गैस निकलती है, सब कुछ निकलते हैं, ये सारा लैंडफिल्स में से निकलती हैं। तो लैंडफिल्स में गैसेस भी बहुत सारी निकलती हैं, कचरा इकट्ठा होता है, कचरे के पहाड़ बने हुए हैं शहरों के बाहर, तो ये सब कुछ इशू उसी के रिगार्डिंग है। देखिए बात ये है कि अब वॉक द टॉक का टाइम आ चुका है, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, पॉलिसीज बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगा, ये बातें बहुत सालों से चल रही हैं। स्वच्छ भारत भी चल गया लेकिन शहरों के चारों तरफ जो पहाड़ हैं कचरे के, वो ऐसे कैसे हैं, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो जब तक एसेंशियली हमारे सिस्टम में रिसाइकलिंग और जो रीयूज और ये सारा जो 6 R वाला बताया गया है वो जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक कोई स्वच्छ भारत इंडिया में नहीं आ सकता है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। ये समस्या बहुत बड़ी है और इंडिया में जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो वर्ल्ड एवरेज से कहीं ज़्यादा है और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी 100% है हमारी, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, इन सब के रिगार्डिंग, और ये सब कुछ हमें कचरे से बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये भी इशू है, सॉइल डिग्रेडेशन भी इससे होती है, तो प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं रिसाइकलिंग के अंदर। तो ये है, हमारा 20-25% बताया गया है लेकिन ये डेटा 10-25 के बीच में रहता है रिसाइकलिंग की कैपेसिटी इंडिया की। नेक्स्ट IFC IOR फ्यूजन सेंटर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो हमारी है उसके अंडर एक नेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट जो है, जो नेवी ने चला रखा है उसके अंडर ये है। और ये एनडीए में जो है वो सागर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लॉन्च हुआ है। देखिए बिल्कुल सही बात है, सागर प्रोग्राम 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये सारा इशू ये था कि सिक्योरिटी और ग्रोथ होनी चाहिए सारे रीजन के अंदर, मतलब इंडियन ओशन रीजन के अंदर, चारों तरफ जितने भी देश हैं, जो सारी पॉपुलेशन हैं उनका सबका मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उसका पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए और ग्रोथ उससे जुड़ी हुई है ही, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से इकोनॉमिक सारा सिग्निफिकेंस होता है, जहाँ सारे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, ऑयल की लाइंस हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, सब कुछ मतलब इंडियन ओशन से गुजरता है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो देखिए दोनों इसमें सही हैं,
दोनों ही जो बातें हैं वो सही कही गई हैं। नेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोजेक्ट है एनडीएम एनएमडीए, और ये किसके अंडर आता है, सागर के ही लिंक में है ये सागर प्रोग्राम जो आया था उसी के हिसाब से ये लॉन्च किया गया। तो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर आईएफसी और इंडियन ओशन रीजन आईओआर, ये आपको ध्यान रखना है, नेवी का ये है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7500 से भी ऊपर की जो लंबी कोस्ट लाइन है उसको मैनेज किया जा रहा है, और गुड़गांव में आईएमएससी का एक सेंटर है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, वहां पर ही आईएफसी है इन्फॉर्मेशन का ये जो फ्यूजन सेंटर है, तो गुड़गांव में ये आपसे पूछ सकते हैं, डिटेल सारा इसमें लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये सारा है आईएफसी आईओआर, और गुड़गांव का याद रखना दिल्ली के पास में है, और जिसका नया नाम क्या है गुरुग्राम हो चुका है, तो गुरुग्राम, ये पहले इसको गुड़गांव बोलते थे इसलिए आई एम सॉरी, ये गुरुग्राम है, ठीक है। ये सागर प्रोग्राम का डिटेल है, 2015 में मॉरिशस में ये लॉन्च किया था मोदी जी ने, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ही प्रिंसिपल्स के ऊपर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो विंग भी पैसिफिक विंग भी खोली है इंडियन ओशन वाली, तो एक अलग इंपॉर्टेंस उसको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टार्डिग्रेड, ये टार्डिग्रेड बड़ा यूनिक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ये क्या चीज़ होती है, क्या ये कोई मेटल्स की स्ट्रेंथ जांचने के लिए है, क्या ये कोई माइक्रो एनिमल है, क्या ये कोई केमिकल है जो मून पे मिला है, या फिर कोई ये सेटेलाइट है जो एलॉय है जो कि सेटेलाइट में यूज होता है। देखिए ये एक माइक्रो एनिमल की कैटेगरी है जिसमें 8 पांव छोटे होते हैं इसलिए माइक्रो एनिमल्स की कैटेगरी है, और बहुत छोटा होता है मतलब कि माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, लेकिन दिख सकता है। सबसे गजब बात इसकी क्या है, इसको मारना नामुमकिन है, ना तो ये सोलर रेडिएशन से मरता है ना ही प्रेशर से मरता है, ये ग्लेशियर में मिलता है, समुद्र के बॉटम में मिलता है, ये लाइकेंस और मॉक जो मोसेस होते हैं वहां पर भी मिलता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, आग में जला दो तो भी नहीं खत्म हो जाता, ये सारा पानी डिहाइड्रेट कर दो तो एक बार ये सुन पड़ जाएगा, पानी फिर से मिलेगा फिर से ये और जीवित हो जाता है। तो ये एक बड़ी ही गजब की बात, अभी पता लगा कि इसराइल ने जो अपना भेजा था मून के ऊपर जो क्रैश लैंड हो गया था उनका जो जिसका नाम है ये देखिए ये बेरशीट नाम का जो उन्होंने भेजा था उसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि ये तो क्रैश हो गया लेकिन हो सकता है कि टार्डिगेट जो वो मून पे पहुंच गए हो और उसकी सरफेस को कंटामिनेट कर दिया हो। तो इनको वाटर बेयर भी बोलते हैं, मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं, और ये माइक्रो एनिमल की कैटेगरी में इसको मानते हैं। 1773 के अंदर लिटिल वाटर बेयर्स के नाम से इसको खोजा गया जोहन ऑगस्ट एप्रेम गोइज ने जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और फिर इटालियन बायोलॉजिस्ट ने इसका नाम दिया टार्डिग्रेडा जो कि स्लो स्टेप मतलब धीरे धीरे चलता है। अब ये इसकी इतनी यूनिक क्वालिटी मतलब क्वालिटीज है कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही गजब निकलता है इसको, मतलब दुनिया का इस दुनिया का नहीं अर्थ का या फिर अभी तक का यूनिवर्स का सबसे टफेस्ट एनिमल माना जा रहा है क्योंकि जीवित एक वो है, वायरस एक तो होता है वो एक अलग इशू है लेकिन ये जो लिविंग बींग्स में मानेंगे इसको क्योंकि वायरस को तो लिविंग नहीं डिक्लेयर कर सकते टोटली क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी आता है, ये आउटर स्पेस के एक्सपोजर में भी वहां के रेडिएशन में भी सर्वाइव कर रहा है, सोलर रेडिएशन से भी ये नहीं मरता है, इतना ये टफ है, ये बहुत गजब की बात है टार्डिग्रेड। और अभी इसका इशू आया था कि वहां पर शायद मून पे हो सकता है कि इसका इन्फेक्शन हो क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन भी रह सकता है किसी भी तरह के एनवायरमेंट में रह सकता है, ये गजब है। तो टार्डिग्रेड है इस माइक्रो एनिमल का नाम, ये इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखता है, ये इस तरह के एक्चुअल में दिखता है, इसको और इसका जो 3D जो बनाते हैं जो इसका मॉडल जो वो इस तरह का होता है, गामा रेडिएशन से भी मतलब गामा रेडिएशन तो मोटी से मोटी दीवार को भेज जाता है लेकिन इसको कुछ नहीं होता उससे, सोचिए कितना टफ एनिमल है, क्या गजब इसमें क्वालिटी है, कैसे इसमें जीन्स होते होंगे ये भी देखने वाली बात है। नेक्स्ट है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है सल्फर डाइऑक्साइड का, और कौन सी एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों के द्वारा एमिट की हुई, क्या ऐसा है, देखिए इंडिया लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं इंडिया लार्जेस्ट है, जो इसके हॉटस्पॉट्स है सल्फर डाइऑक्साइड के उसमें इंडिया सबसे नंबर वन पे आता है, इंडिया का जो कोल प्लांट्स है वहां से निकलता है अधिकतर, और कोल को जलाते तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत निकलती है, तो सल्फर मिलता है कोल के अंदर, उसका एक बड़ा रीजन है कि उसका एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि इंडिया टॉप पे है। बिगेस्ट रीजन व्हीकुलर पोल्यूशन तो है लेकिन इससे भी ऊपर है कोल को जलाना, तो ये गलत होगा, पहला सही होगा इसमें, सॉरी ये भी गलत है, पहला भी गलत है क्योंकि इंडिया सेकंड नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है मतलब फर्स्ट तो कुछ नहीं होता है, लार्जेस्ट है, तो डी नन इसका आंसर होगा। और ये देखिए इसमें डिटेल आया है, इंडिया जो है टोटल दुनिया के जो हॉटस्पॉट है उसका 15% जो है इंडिया ही एमिट कर देता है, और SO2 से आपको बताई है एसिडिक रेन भी होती है, H2O+SO2 क्या होता है H2SO4 बनता है, इसमें नंबर अलग अलग होते हैं तो H2SO4 बन जाता है, और ये एक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत डेंजरस एक तेजाब होता है और ये एसिड रेन बनाता है,
तो ये SO2 बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ही डेंजरस है, और जो पॉल्यूशन होते हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर भी बड़ा इसका रोल होता है, बड़ी बीमारियां पैदा करता है, और इंडिया इसका हॉटस्पॉट है। सोचिए कंडीशन इंडिया की कहां है। हम क्लेम करते हैं एनवायरमेंट का, नेचर का, लेकिन सबसे बुरी हालत है हमारी एयर पॉल्यूशन के अंदर, और वाटर पॉल्यूशन की भी अलग ही बात है, सारी नदियां पोल्यूटेड है और ये बहुत कुछ इश्यूज हैं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। रशिया का जो दूसरा ये स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स है नोरेलस का, ये सेकंड लार्जेस्ट है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में ये जो मुमालंगा प्रोविंस है ये सेकंड है, थर्ड है, और जैग्रोस माउंटेन जहां पर ईरान में है वहां पर ये फोर्थ है। वैसे देखिए स्पॉट वाइज इंडिया हाईएस्ट है, फिर रशिया है, फिर ये चाइना है, ये से, और वैसे देखा जाए तो ये लिस्ट है सारी वर्ल्ड के पोल्यूटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने ये भी किया था कि भाई एक बार पावर जनरेशन के जो कंपनीज हैं, जो कोल प्लांट्स जिनके पास में है, उनको बोला था कि दिसंबर 15 तक इसको आप कंट्रोल कीजिए SO2 पोल्यूशन को, फिर इसको बढ़ाकर 17 कर दिया गया और अभी इसको 19 कर दिया गया, तो हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, डिबेंचर्स, अभी एक इशू आया है कि गवर्नमेंट ने डिबेंचर रिजर्व्स को रखने के लिए जो कंडीशन है वो कैंसिल कर दी है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि उसमें उनको बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ये होता क्या डिबेंचर, देखिए इलीगल मनी को ट्रांजैक्शन जो होता है इंटरनेशनली उसको रोकने के लिए ऐसा नहीं होता डिबेंचर्स, कुछ और चीज होती है। डिबेंचर्स नॉर्मली स्टॉक्स की तरह होते हैं, शेयर जैसे होते हैं, लेकिन ये प्रेफर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कल तो कंपनी बिकने लग जाती है, तो डिबेंचर्स जिन लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, जिनका इन्वेस्टमेंट डिबेंचर में है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी जो पैसा उसका होगा, शेयर वालों को बाद में मिलेगी। डिबेंचर्स ऐसा केस ऐसा होता है। हालांकि जो शेयर होल्डर्स हैं मेन, जो स्टॉक जिनके पास में है शुरुआत में, वो तो होते ही है, लेकिन उसके बाद डिबेंचर ही आता है। स्टॉक जो सिंपल शेयर होते हैं उनके पहले इनकी प्रायोरिटी आती है, इन वालों को पैसा पहले मिलेगा। तो ये एक लार्ज कंपनी जो है मनी बोरो करती है डिबेंचर्स के थ्रू, शुरुआत में पैसा उठाती है, तो ये भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई इसके अंदर एक रिजर्व बनाओ आप, क्योंकि कल को कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, कल को ये बर्बाद हो जाती है, तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा वो सेफ रहना चाहिए, टिकना चाहिए, क्योंकि आप तो बोल दो कंपनी डूब गई और वो फिर कहां जाएंगे, तो ये एक सेफ्टी होनी चाहिए, अदरवाइज कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला है। तो ये रिजर्व बनाने की बात थी। लेकिन अब ये चीज जो है, जो कंपनीज एक्ट था 1956 के अंदर, उसमें ये चीज नहीं थी, बाद में ये डाली गई थी, अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई थी, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट की तरह होता है, सर्टिफिकेट ऑफ लोन या फिर बॉन्ड एविडेंस की तरह होता है। मतलब कि ये आप पेपर पे दिखा लिख के देते हो कि भाई इतना इंटरेस्ट मैं आपको इस पे चुका दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो जो मैं कंपनी में लगाऊंगा। तो ये डिबेंचर्स की तरह होता है, तो ये इसके डिटेल्स अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो शेयर्स होते हैं उससे प्रेफर्ड होता है डिबेंचर, ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, अभी इन्होंने बोला है कि कुछ NBFCs हैं, कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको इसमें जरूरत नहीं होगी ये रखने की, रिजर्व रखने की। तो ये रिक्वायरमेंट जो एंड कर दी गई कुछ के लिए। ये भी बोला गया कि इससे बॉन्ड मार्केट और बढ़ेगा और इन्वेस्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन देखना होगा इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन DRR यहां पर दे रखा है, ठीक है, 2000 के साल के अंदर अमेंडमेंट करके इसको डाला गया था, कंडीशन बनाया गया था कि रिजर्व होना चाहिए कंपनियों के पास में। लेकिन अभी कुछ को अलाउ किया गया कि आप जरूरी नहीं है कि आप इसको रिजर्व को क्रिएट करो, क्योंकि इससे प्रेशर पड़ता है, वो पैसा उनका अटक जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सोकल ग्लेशियर, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये एक आइसलैंडिक वर्ड है, तो ये आइसलैंड में होता है, ये आल्प्स में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में नहीं होता है, आइसलैंड में होता है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में एक बड़ा एक आइलैंड कंट्री है, बड़ा शानदार कंट्री है। डी नन इसका आंसर होगा। वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो जाते थे और स्कीइंग करते थे, गाड़ियां चलाते थे, आइस के ऊपर ग्लेशियर था, लेकिन अभी ये सारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया है और क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा खतरनाक वाला एग्जाम्पल ये बन गया है, और इसको इन्होंने कमेमोरेट किया है, एक प्लाक वहां पत्थर के ऊपर लगाया जहां पर पहले ग्लेशियर था सारा, वहां पर उस प्लाक पे लिखा गया कि क्लाइमेट चेंज ने कैसे इस जगह को खत्म कर दिया जो ग्लेशियर था। ये रहा आइसलैंड, नॉर्थ अटलांटिक के अंदर नॉर्वेजियन सी के साउथ वेस्ट में पड़ता है, और नॉर्थ अटलांटिक ये सारा ओशन है, ये लैब्राडोर सी यहां पर है, और ये नॉर्वेजियन सी है, और ये बे ऑफ बिस्के यहां पर है, ये नॉर्थ सी है यहां पर, ये सब आपको ध्यान रखने हैं यहां पर है, और ये जगह का नाम है लैंगजोकल, और यहीं पर ऑक्सोकल ग्लेशियर था पहले, जो कि अब पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, और ये इन्होंने कमेमोरेट किया ऐसा। ये बड़ी ही चिंताजनक बात है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि ये ग्लेशियर कैसे खत्म हो रहे हैं और पिघल रहे हैं। आर्कटिक तो लगभग पिघल ही गया है और रहेगा ही नहीं, पूरा ओशन बन जाएगा दोबारा से। अंटार्कटिका के नीचे जमीन है, तो हो सकता है अंटार्कटिका के नीचे की जमीन बाहर आ जाए कुछ डेकेड्स के अंदर, क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। नेक्स्ट, यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या फिक्स किया है, रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स के ऊपर सारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ऊपर। देखिए आज न्यूज आई है, इन्होंने किया है, लेकिन
एक बड़ी ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर, ये डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, आपको ध्यान रखना है, जो सीएपीएफ सारी की सारी है, जो एग्जाम आप देते हो यूपीएससी में सीएपीएफ का, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये गलत होगा। और पहले जो है सीआईएसएफ और असम राइफल्स के जो लोग हैं वो 60 पे रिटायर होते थे, 50 पे नहीं 60 पे, और बाकी जो है बची हुई सीआरपीएफ है और ये सब बीएसएफ वगैरह जो है ये 57 पे रिटायर होते थे, अभी सबके लिए ये कर दिया गया कि 60 पे रिटायर होंगे, तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, डी नन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जनवरी 19 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि सबका 60 करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सही डिसीजन है हाईकोर्ट का और आपको लागू करना है इसको, सबको 60 पे रिटायर करो। ठीक है, उनकी सर्विस आप पूरा लेते हो तो 60 पे रिटायर करो उनको, सारे जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, देखिए सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, असम राइफल्स है, तो ये सब आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, मांगदेचू रिवर जो है उसका न्यूज अभी आया है, भूटान के अंदर हमारा विजिट हुआ है प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने मांगदेचू रिवर के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो वो अभी उसको इनॉग्रेट किया है। तो ये प्रिंसिपल रिवर मेघालय में नहीं है, ये भूटान की रिवर है, और मानस रिवर जो आती है ब्रह्मपुत्रा के अंदर ऊपर से मिलती है भूटान से आके, उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्रा की, तो ये गलत है, ये भी गलत है, डी नन इसका आंसर होगा। और ये देखिए, ये है मांगदे, जिसको टोंगसा भी बोलते हैं, ये इधर आकर मानस बनाती है और मानस आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा के अंदर, मतलब असम में बहती है, मेघालय में नहीं बहती है। ये रिवर्स हैं और बहुत सारी रिवर्स आती हैं, हिमालयन ये स्टेट है सारा, इसमें बहुत कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, ऊपर से पानी गिरता है तो डायनेमो घुमाता है बहुत स्पीड से, तो बिजली पैदा करता है, एक्सेस में पैदा करता है। और ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 720 मेगावाट का है, 70% हम लोन दे रहे हैं, 30% हम ग्रांट दे रहे हैं, और फिर इससे ये बनेगा, तो ये बड़ा ही गजब का इनिशिएटिव है। और भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, 2020 तक जो है ये कंप्लीट होने वाला है, और भूटान का इनिशिएटिव चल रहा है कि 2020 तक जो है वो 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करेंगे, ये बड़ा गोल है, तो 10 GB मतलब कि इनका हाइड्रो पावर का जनरेशन होगा, और ये एक्सेस में इनको इतना जरूरत नहीं पड़ती है, तो इंडिया इसको खरीदेगा भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2923 गीगावाट जो एनर्जी है वो ये जनरेट करेगा। नेक्स्ट, बैन अभी लगाया गया है किसके ऊपर, कर्नाटक ने लगाया, किसके ऊपर लगाया है, निकोटीन के ऊपर, सिगरेट में मिलता है निकोटीन, और इसको क्लास ए पॉइजन डिक्लेयर कर दिया है। क्लास ए पॉइजन डिक्लेयर करने का मतलब है इसमें ऐसी खतरनाक गैसें आती हैं जो कि थोड़ी सी भी अमाउंट में होती हैं तो वो जहरीली होती हैं, उसमें इसको डिक्लेयर कर दिया है। और निकोटीन जो है उसमें सिगरेट में होता है आपको पता ही है, ई सिगरेट में भी निकोटीन होता है। मैंने थोड़े दिन पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम एंड्स का, और इसका बड़ा इशू बना था, और देखिए इसमें निकोटीन होता है, निकोटीन की जो उसमें कार्ट्रिज आती हैं और उनका स्मगलिंग भी होता है, तो ये भी इशू है, तो दूसरा गलत है इसमें। इन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको क्लास ए पॉइजन डिक्लेयर कर दिया है और इन्होंने नोटिफाई कर दिया है बैन इसके ऊपर, तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा, दूसरा गलत है, क्योंकि ई सिगरेट्स में भी होता है निकोटीन, ये सारा इसमें डिटेल दे रखा है। देखिए जैसे साइनोजन है, हाइड्रोसाइनिक एसिड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, फोस्जीन, ये सारे डेंजरस जहरीली गैसें होती है जो कि क्लास ए में आती है, इसी के अंदर निकोटीन को भी डाला जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ई सिगरेट्स है, इसमें भी कार्ट्रिज लगती है निकोटीन की, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वेपर बनती है उसकी, नॉर्मल बर्निंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक बर्निंग इसमें होती है, लेकिन ये भी डेंजरस इक्वली है, ये भी पता लगा है, इससे भी कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर आज इशू आया है कि इनकी हालत बहुत बुरी है। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला था कि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने कितना गजब का कर दिया रेलवे, बहुत गजब का हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने SOS भेजा है, जो एक चिंताजनक इमरजेंसी का एक कॉल होता है, उन्होंने मिनिस्ट्री को भेजा है कि हमारा पेमेंट करने का कोई मतलब हमारे पास फंड नहीं बचे हैं, और जो स्टाफ है क्लीनिंग वाला है और जो सारा है उसको निकालना पड़ेगा, हमारे पास कोई पैसा फंड नहीं बचा। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ये देखिए पिक्चर में दे रखा है, ये चेन्नई का हेडक्वार्टर है और रेलवेज का, और इंडो सार्सिनिक आर्किटेक्चर इसमें यूज़ हुआ है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ज़्यादा फेमस हुआ था, और सीवियर कैश कर्न से गुजर रहा है सदर्न रेलवे। तो ये आज का लेसन था, और ये आपको ध्यान रखना है, सारा डिटेल जो मैंने बताया पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।